टुडेज हिस्ट्री के आज के वीडियो में हम 11 अप्रैल के दिन घटित इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं आज का इतिहास। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले भारत के महान विचारक, समाजसेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले का जन्म आज के दिन ही सन 1827 में हुआ था। उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने, विशेषकर विधवा विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे। सन 1887 में पद्मभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार जैमिनी रॉय का भी जन्म आज के दिन ही हुआ था। 20वीं शताब्दी की भारतीय कला के प्रारंभिक और अति महत्वपूर्ण मॉडर्न आर्टिस्ट में से वे एक थे। यहाँ पर मॉडर्न आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं कि जो आज के समय के आर्टिस्ट हैं, इसका मतलब ये हुआ जो कि ट्रेडिशनल आर्ट से हटकर कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मॉडर्न आर्टिस्ट कहा जाता है। उन्होंने अपने समय की कला परंपराओं से अलग नई शैली स्थापित करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई थी। सन 1869 में भारत में बाघ के नाम से विख्यात महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म आज के दिन ही हुआ था। कस्तूरबा गांधी का जन्म महात्मा गांधी के जन्म स्थान काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी आयु में गांधी जी से 6 माह बड़ी थी। सन 1919 में आज के दिन ही ILO की स्थापना राष्ट्रसंघ के संबंध के एक स्वतः अंतर सरकारी अभिकरण के रूप में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1946 में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम विशिष्ट अभिकरण बना। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर एवं श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने तथा पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। सन 1977 में बिहार के पूर्णिया जिले में पैदा हुए प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का निधन आज के दिन ही हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस और कितने चौराहे शामिल हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के साथ ही रेणु ने आपातकाल के विरोध स्वरूप पद्मश्री की मानद उपाधि लौटा दी थी। टुडेज हिस्ट्री में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।